दोस्तों नमस्कार, मैं अरुण मिश्रा आज आप सभी लोगों को येलप कंपनी के इरवास ब्रांड के करक्यूमिन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने वाला हूं। करक्यूमिन बनता कैसे है, उससे क्या क्या फ़ायदा है और हमें कौन कौन सी बीमारी में वो काम करता है। दोस्तों जिस तरह से पालक में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, उसी तरह से हल्दी करक्यूमिन का सबसे बड़ा स्रोत है। करक्यूमिन के कारण ही हल्दी को सुंदर पीला रंग मिलता है। करक्यूमिन के कारण ही हल्दी 9000 से अधिक औषधीय प्रयोग में कारगर सिद्ध हुई है। दोस्तों आज देखिए, हम सभी लोग कभी कभी बीमार हो जाते हैं या कोई दर्द होता है, बदन दर्द हो रहा है या चोट लग गई तो हल्दी का लेप होता है। हल्दी में दूध डाल करके, गर्म दूध हल्दी पीते हैं और दर्द भी निकल जाता है। दोस्तों करक्यूमिन क्या है? करक्यूमिन में मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, विटामिन डी, ओमेगा 3, ओमेगा 6, विटामिन B6 पाया जाता है। हल्दी में उसके वजन का लगभग 1 से 5% तक करक्यूमिन होता है। मतलब 1 kg हल्दी यानी कि 1000 ग्राम हल्दी में 10 ग्राम करक्यूमिन मिलता है। हल्दी को ज़्यादा मात्रा में खाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, इसलिए हल्दी की जगह हमें करक्यूमिन सप्लीमेंट लेना चाहिए जो येलप कंपनी के पास सप्लीमेंट के रूप में उपलब्ध है। हर्बल करक्यूमिन का निर्माण GMP के दिशा निर्देशों के तहत किया गया है। दोस्तों करक्यूमिन से सफलतापूर्वक बोन कैंसर सेल्स को फैलने और बढ़ने से रोका जा सकता है, क्योंकि करक्यूमिन में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होता है और करक्यूमिन से हेल्दी बोन सेल्स का विकास भी होता है। दरअसल बोन कैंसर से पीड़ित ज़्यादातर युवा मरीजों का इलाज सर्जरी से पहले और बाद में कीमोथेरेपी के हाई डोज के जरिए किया जाता है और इसके कई गंभीर साइड इफेक्ट्स भी हैं। ऐसे में अनुसंधानकर्ता इस प्रयास में लगे थे कि इलाज का ऐसा तरीका विकसित किया जाए जो सौम्य होने के साथ साथ साइड इफेक्ट रहित हो। ऐसा इसलिए ताकि सर्जरी के बाद रिकवर करने की कोशिश कर रहे मरीज जो बोन डैमेज की समस्या के साथ साथ ट्यूमर को दबाने के लिए हार्ड हार्ड दवाओं का भी सेवन कर रहे हैं, उन्हें कुछ राहत मिल सके। दोस्तों करक्यूमिन से शोध में यह सामने आया है कि मेमोरी में सुधार लाने के साथ साथ करक्यूमिन दिमाग को और भी तेज बनाता है, इससे आपकी एकाग्रता और बेहतर होती है। रिसर्च से जुड़े कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डॉक्टर गैरी स्माल ने कहा है कि नतीजों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि करक्यूमिन से दिमाग की सोचने समझने की शक्ति समय के साथ और बेहतर होती है। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने ऐसा कहा कि मस्तिष्क में कुछ खास तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, ये प्रोटीन मस्तिष्क के भीतर सूजन पैदा करते हैं और इसी सूजन की वजह से याददाश्त कमजोर होती है। करक्यूमिन मस्तिष्क में प्रोटीन बनने से रोकता है जिससे दिमाग हमेशा शार्प रहता है, याददाश्त तेज रहती है। दोस्तों करक्यूमिन हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जो अर्थराइटिस पेशेंट होते हैं उनके लिए भी करक्यूमिन बहुत अच्छा माना जाता है। किसी को भी अगर ज्वाइंट पेन है या हड्डियों में किसी भी तरह की चोट लगती है तो वो इसका सेवन कर सकते हैं और उनको रिकवरी में बहुत मदद मिलेगी। करक्यूमिन शरीर के अंदर सूजन को कम करके स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है जिससे मोटापा भी कम हो जाता है। दोस्तों करक्यूमिन हमारी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। डायबिटिक पेशेंट को भी जो आंखों की रोशनी कम हो जाती है या आंखों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे बचाने में भी काफ़ी सहायक होता है। करक्यूमिन हमारे लंग्स के लिए भी बहुत सहायक होता है। हमें सिगरेट स्मोकिंग या पॉल्यूशन से हमारे लंग्स में जो नुकसान हुआ रहता है उसको रिकवरी करने में भी बहुत सहायक होता है। यहाँ तक रिसर्च से भी पता चला है कि करक्यूमिन हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। रिसर्च से ये भी पता चला है कि जो लोग करक्यूमिन का सेवन करते हैं उन्हें हार्ट अटैक आने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है उन लोगों को भी करक्यूमिन का सेवन काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है और इन बिटवीन आपका वेट लॉस करने में मदद करता है और साथ में
फ्यूचर में टाइप 2 डायबिटीज की संभावना बहुत कम हो जाती है। दोस्तों, करक्यूमिन से कई बीमारियों को फायदा मिलता है, जैसे कैंसर, गठिया, मधुमेह रोगी, भूलने की बीमारी, गठिया संबंधित अन्य बीमारियों को स्थितियों और लक्षणों के उपचार, नियंत्रण और सुधार के लिए किया जाता है।